खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोचा इज्तिमा में है। लोचा इज्तिमा में देखिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। मार्च के पहले दिन से यहाँ पे इज्तिमा होगा, जहाँ पे देश दुनिया के लाखों हजारों लोग जुटेंगे, दीनों ईमान की बातें करेंगे। तो आज हम आपको लोचा इज्तिमा गाह का नज़ारा दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और दुआएं खैर करते रहिए कि ये इज्तिमा कामयाब हो, मुकम्मल हो, लोग दीन की राह पर चल पड़े, ईमान की राह पर चल पड़े। देखिए ये मेन जो टेंट है उसका काम हो रहा है, बड़ा बारीक काम हो रहा है। यहाँ पे जो इलाके के जितने कारीगर है, घर बनाने के कारीगर, जिसको हमारे यहाँ सुथियार कहते हैं, एकदम टेक्नीशियन जिसको कहते हैं, बांस के कैसे घर बनाते हैं, बांस के बने सामानों के, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक जो छप्पर बना रहे हैं लोग, कई लोग मिल करके बना रहे हैं और कई दिनों से ये लोग काम कर रहे हैं। इतना बारीक, इतना करीने से ये काम होता है। ये इसको यहाँ पे लगाया जाएगा, आप देख रहे हैं ये पूरा टेंट। और देखिए इन लोगों का काम का एक नमूना आप ये भी देख सकते हैं। इस तरह से चार ये लोग टट्टी बनाएंगे, चारों को मिला करके फिर मेन स्टेज पर चढ़ाएंगे, तब जा करके यहाँ पे दर्श व तदरीस का काम होगा। और इस तरह की सबसे खूबसूरत जो काम होता है, नक्काशी का जो काम है, वो यही है जिसे आप लोग देख रहे हैं। तो हम सब लोगों से कारीगर से बात कराते हैं। क्या बना रहे हैं आप? हार्ट बना रहे हैं। अच्छा, ये मेन स्टेज के लिए? हाँ, मेन स्टेज के लिए। अच्छा, क्या क्या इसमें किस तरह से करते हैं? बड़ा बारीक काम आपका नजर आ रहा है। हाँ हाँ, बहुत बारीक काम है। अच्छा, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। बांस बत्ती सुतरी सब इसमें लगता है। अच्छा, ये जब हो जाएगा फिर उसके बाद? उसके बाद इसमें मधुआ चढ़ेगा। अच्छा, उसके फिर बना जाएगा। वाटर प्रूफ होगा ये? हाँ, वाटर प्रूफ नहीं होगा, छानी होगा। अच्छा, हाँ, इलवा का छानी होगा। इलवा का। क्या ये जो काम कर रहे हैं आप लोग, दूर दराज से इलाके से आकर के कर रहे हैं? हाँ जी जी जी। कोई आप लोगों को काम करने के लिए बताता नहीं? है नहीं, नहीं कोई नहीं बताएगा। तो कैसे करते हैं फिर? बस वहाँ बोल दिया कि फलाना फलाना हल्का आकर के ये काम करना है। अच्छा, बस आकर के अपना हल्का आकर के काम कर रहा है। बस ये सामान वगैरह फिर कहाँ से आता है? सामान वगैरह अब हम भेज दिया। अच्छा, हाँ, इसलिए खरीद के कोई नहीं लाया है। अच्छा, हाँ, सब भेज देता है। अच्छा, इज्तिमा की खूबी ये है कि यहाँ पे एक साथ 500 से 600 लोग काम करते हैं और ये काम जो है बिना किसी इंस्ट्रक्शन के वो लोग करते हैं और बड़ा करीने से काम करते हैं। दिन रात लोग लगे रहते हैं, कौन कहाँ से आया, किसी का घर द्वार का पता नहीं, गांव का पता नहीं, और अपने अपने हल्के से लोग जुड़ करके काम करते हैं। इसके लिए ना किसी को मजदूरी मिलती है, ना किसी को किसी तरह की कोई आमदनी होती है। सब लोग खिदमत करते हैं, बड़े प्यार से, बड़े इत्मीनान से करते हैं। आप तो बड़े किस्मत वाले हैं, लोचा वाले, आपके यहाँ इज्तिमा हो रहा है, क्या खुशी है लोगों में, क्या कहना है लोगों? अच्छा, बहुत खुशी है, ये हमारे इलाका में हो रहा है ये, और हम सब मिल के जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। कोई कीमत नहीं, ये जो पैसे जो लगाना पड़ता है वो भी लगाते हैं, जान भी लगाते हैं, माल भी लगाते हैं, समझे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बड़ा क्रम है कि ये सामान कहाँ से कहाँ आ रहा है और कौन भेज रहा है, सब अपने घर दरवाजा को छोड़ कर इस काम पे लगे हुए। ये अल्लाह का है काम, ये जो है ये काम जो है उलमाए कराम ने हम सब की हिदायत के लिए यहाँ जो इज्तिमा आली में इज्तिमा हो रहा है, ये सामान के लिए कोई कमी नहीं है जी। कोई बांस भेज रहा, कोई सामान भेज रहा, कोई और कुछ भेज रहा है, किसी सामान का यहाँ कमी नहीं है, और खटने वाले का भी कोई कमी नहीं है। यहाँ दिन रात यहाँ पे काम चलता है, दिन रात जो है काम यहाँ चल रहा है, अपने तो ही काम कर रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और ये सामान गांव के लोग भेजते हैं, इसके लिए ना कोई पैसे दिए जाते, ना कुछ दिए जाते, कुछ भी नहीं, और ना इनको मजदूरी मिलती है।